राधे राधे, वेलकम टू माय चैनल। ये देखिए आज कितना सुंदर सा तोरण बनाया है मैंने। लोटस फ्लावर, ये लोटस फ्लावर कमल के फूल वाला, और नीचे ये वाला रोज फ्लावर लगाए मैंने लटकन में। और बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा, बहुत इजी सा डिजाइन है। इसमें कितने मोती लगे हैं, कितने साइज के हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आपको। देखिए इसमें मैंने चार कलर यूज करे हैं, और चारों मोती वाले हूँ ना, फोर प्लाई के हूँ जैसे तोरण बनाते हैं। और देखिए इसमें मैंने दो क्रोशिया यूज़ करे हैं, 2.5 mm का क्रोशिया है और ये 3.5 mm का क्रोशिया है। ये नंबर में 4 होता है 2.5 वाला, और ये नंबर में 6 होता है 3.5 वाला। देखिए सबसे पहले व्हाइट कलर की तोरण पट्टी बनाई मैंने, और ये मैंने 2.5 mm के क्रोशिया से बनाई है। सबसे पहले एक नोट बना लेंगे, तोरण पट्टी मैंने बिल्कुल प्लेन बनाई है। ये देखिए इस तरह से 15 चेन बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इस तरह से 15 चेन बना लेंगे। एक लूप लिया, ऊपर से 3 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3, 3 चेन छोड़ के आगे वाली चेन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक 3 चेन से हो गया और एक यहाँ पे ये डबल क्रोशिया बन जाएगा इस तरह से। ये देखिए इस तरह से 3 चेन वाला एक डबल क्रोशिया हो गया, ये आगे एक डबल क्रोशिया बन गया। तो सारी चेन में हमें एक एक डबल क्रोशिया ही बनाना है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से सारे चेन में एक एक डबल क्रोशिया हो गए। मैं बता देती हूँ कितने हो गए, ये 3 चेन वाला एक डबल क्रोशिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल हमारे 13 डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। तो यहाँ से अब हमें ये पूरे प्लेन प्लेन सेम ही बनाना है बिल्कुल। 3 चेन बना लेंगे, 1 2 3, यहाँ से घूम जाएंगे इस तरह से। देखिए सारी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना देंगे इसी तरह से, जैसे उधर पहले वाली लाइन में बनाया था इस तरह से। एक एक डबल क्रोशिया ही बनाना है बस, सिंपल। ये प्लेन ही तोरण पट्टी बनाई है मैंने, बहुत इजी सी। ये देखिए लास्ट में जो 3 चेन बनाए थे इसके ऊपर बना देंगे इस तरह से, सिंपल डबल क्रोशिया ही बनाते जाना। 3 चेन बना के फिर से घूम जाएंगे यहाँ पे इस तरह से, फिर से डबल क्रोशिया ही बनाते जाएंगे सारी चेन में एक एक। बस ऐसे ही बनाई मैंने सारी तोरण पट्टी, कुछ डिजाइन नहीं डाला मैंने इसमें। ये देखिए इस तरह से प्लेन प्लेन ही बनाना है बस। ये देखिए इस तरह से सारी ऐसे ही कंप्लीट करनी है, तो ये मैं बना लेती हूँ अभी। ये देखिए तोरण पट्टी मैंने बना ली है, इस पर मैंने बॉर्डर, दो कलर का बॉर्डर बनाया है, येलो और डार्क पिंक कलर का। इस तरह से प्लेन प्लेन बनाइए बिल्कुल। तो इसका बॉर्डर बनाना बताती हूँ मैंने कैसे बनाया है। देखिए पहले येलो कलर से बता देती हूँ, पहले हमें येलो कलर का बॉर्डर बनाना है इस पर। ये देखिए जो हमारे डबल क्रोशिया आ रहा है साइड में, ये देखिए साइड में जो डबल क्रोशिया आ रहा है इसमें हमें दो दो सिंगल क्रोशिया बनाने हैं येलो कलर से, दो दो ही बनाने हैं सब में इस तरह से। ये देखिए यहाँ पे एक एक और बना देंगे दो, इस तरह से दो दो डबल क्रोशिया बनाने हैं प्लेन ही। अब देखिए ये कोने वाला आ गया, कोने में हमें 3 बनाने हैं, 1 2, एक और बना देंगे 3, इस तरह से कोने में 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं कॉर्नर वाले में। जैसे यहाँ पे मैंने 3 ही बनाया, यहाँ से शुरू किया था। अब ये साइड में यहाँ पे सारी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे, ऐसे ही मैंने दूसरी साइड बनाया है सारी चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया।
ये देखिए यहाँ से शुरू किया था, यहीं पर स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इसको। येलो वाला वर्क कंप्लीट हो गया, इसे सुई से एडजस्ट कर देंगे धागे को। अब देखिए पिंक वाला मैंने कैसे बनाया है इसके ऊपर। ये देखिए यहाँ पे इनके बीच में एक सिंगल क्रोशे बना दिया, दो चेन बना लेंगे, एक दो दो चेन बना के फिर से ये जो दो सिंगल क्रोशे बनाए येलो कलर के बीच में, यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बना देंगे बीच में। इस तरह से दो चेन बना लेंगे, एक दो, इजी सा ही बनाया बिल्कुल बॉर्डर भी। यहाँ पे बीच में सिंगल क्रोशे बना देंगे, इनके बीच में दो चेन बना लेंगे येलो वाले के बीच में, दो सिंगल क्रोशे हैं बीच में एक सिंगल क्रोशे बना देंगे, दो चेन बना लेंगे, फिर से सिंगल क्रोशे बना देंगे, एक दो चेन बना लेंगे, बस यही रिपीट करते जाना है। इसमें भी यहाँ पे सिंगल क्रोशे बना देंगे। अब देखिए कोने पे आ गए यहाँ पे, तो कोने वाले में हमें तीन सिंगल क्रोशे ही बनाने हैं पिंक कलर से भी, एक दो तीन, तीन सिंगल क्रोशे हो गए। अब सारे में हमें एक एक सिंगल क्रोशे बनाते जाना है यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से सारी चेन में एक एक सिंगल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। ये देखिए सारे में एक एक सिंगल क्रोशे बना लिया। यहाँ कोने पे आ गए, मैंने शुरू में एक ही सिंगल क्रोशे बनाया था इधर कोने में, तो दो और बना लेंगे यहाँ पे कॉर्नर वाले में, तीन बनाने हैं हमें इस तरह से। अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे, धागा सुई से एडजस्ट कर देंगे। देखिए इस तरह से तोरण पट्टी बन के हमारी रेडी हो गई। ये देखिए इस तरह से बनानी है, बहुत ईजी सा डिजाइन बनाया मैंने तोरण पट्टी में। अभी देखिए फूल बनाएंगे पिंक कलर के, लोटस फ्लावर बनाए मैंने। ये देखिए इसमें मैंने मोटा क्रोशिया यूज किया है ये वाला फूल बनाने के लिए 3.5 mm का। ये देखिए यहाँ से चेन बनानी है हमें 81, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, तो इस तरह से हमें 81 चेन बनानी है इसमें 81। देखिए इसमें मैंने 81 चेन बनाई है, 81 चेन बनानी है टोटल हमें। देखिए ऊपर से हमें तीन चेन छोड़ के यहाँ से एक दो तीन, तीन चेन छोड़ के चौथी वाली चेन में इसमें डबल क्रोशे बनाना है, एक तीन चेन से बन जाएगा, ये भी डबल क्रोशे काउंट होता है। ये सारी चेन में अब हमें एक एक डबल क्रोशे बनाने हैं इसमें सब में, एक एक सारी चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाते चले जाएंगे। ये देखिए सारी चेन में एक एक डबल क्रोशिया बना लिया मैंने। ये देखिए इस तरह से बनाना है सारी चेन में एक एक डबल क्रोशिया, ये बन गया हमारे 79। अब देखिए यहाँ से अब हमें यहाँ से घूमना है, पहले हमें यहाँ पे पांच चेन बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ से घूम जाएंगे इस तरह से पांच चेन में से। देखिए तीन चेन एक डबल क्रोशिया के लिए और दो चेन हमें सबके बीच में बनानी है। ये देखिए लूप लिया इसी वाले चेन में दोबारा से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से डिजाइन बनाना है। अब हमें लूप लिया, यहाँ से दो चेन छोड़ के एक दो तीसरी वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से डबल क्रोशिया और दो चेन बनानी है, एक दो, दो चेन बना के फिर से इसी वाली चेन में यहाँ पे डबल क्रोशिया बना देंगे, इसी वाली चेन में डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से डिजाइन बनाने हैं। अब हमें यहाँ पे एक लूप लिया, एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे, दो चेन बना लेंगे, एक दो, दो चेन बना के एक लूप लिया, इसी वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। बस ये लाइन हमें ऐसे ही कंप्लीट करनी है, एक लूप लिया, एक दो, दो चेन छोड़ के तीसरी वाली चेन में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से।
दो चेन बना लेंगे, एक दो, एक लूप लिया। अब यहाँ पे इसी वाली चेन में फिर से एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो इसी तरह से ये लाइन हमें कंप्लीट करनी है पूरी, दो दो चेन छोड़ के, दो चेन छोड़ के डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर बीच में दो चेन, फिर इसी में ही डबल क्रोशिया। ये देखिए इस तरह से वी शेप बनानी है हमें यहाँ पे, जैसे ही बनी हुई है तो पूरा राउंड हमें ऐसे ही कंप्लीट करना है। ये देखिए लास्ट में आ गए हम यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए दो चेन छोड़ के लास्ट वाली चेन के ऊपर एक लूप लिया, एक दो, दो चेन छोड़ के जो हमने स्टार्टिंग में तीन चेन बनाई थी इसके ऊपर बनाना है। यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना देंगे लास्ट में, दो चेन बना लेंगे इस तरह से, और इसी में दोबारा से यहीं पे इसी जगह पे फिर से एक और डबल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से बन गया। यहाँ पे दो चेन बना लेंगे, सॉरी यहाँ पे तीन चेन बनानी है हमें। तीन चेन बना के इधर से ऐसे घूम जाएंगे। अब देखिए इनके बीच में यहाँ पे जो हमने ये वी शेप बनाई है इसके बीच में डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से दो बनाने हैं तो एक तीन चेन से हो गया और एक ये हो गया, दो डबल क्रोशिया हो गए, बीच में दो चेन बनानी है। अब इसी में ही हमें दो डबल क्रोशिया फिर से बनाने हैं इसी वाले गैप में, एक एक और बना लेंगे इसी में दो। इस तरह से दो डबल क्रोशिया, बीच में दो चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया, एक ही स्पेस में बनाने हैं। लूप लिया, अब आगे वाले में आ जाएंगे। यहाँ पे ये जो हमने वी शेप बनाई है इसी में बनाने हैं बस हमें, इसमें नहीं बनाना कुछ भी। ये देखिए यहाँ पे बनाना है, इसमें आ जाएंगे, यहाँ पे दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक एक और बना लेंगे इसी में दो, दो डबल क्रोशिया, दो चेन बना लेंगे बीच में। अब इसी में फिर से एक और, एक डबल क्रोशिया और एक और बना लेंगे इसी में दो डबल क्रोशिया। ये देखिए सर दो डबल क्रोशिया, दो चेन, फिर से दो डबल क्रोशिया, एक स्पेस बनाना है, फिर से लूप लिया। अब आगे वाले इसमें आ जाएंगे यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आना है, यहाँ पे आ जाएंगे इसमें दो डबल क्रोशिया, सेम ही बनाना है सारा राउंड हमें, एक दो, दो डबल क्रोशिया, दो चेन बना लेंगे बीच में। अब फिर से इसी में दो डबल क्रोशिया, एक एक और बना लेंगे दो, इस तरह से बनाना है। देखिए अब इसमें आ जाएंगे आगे यहाँ पे दो डबल क्रोशिया, सेम ही राउंड कंप्लीट करना है पूरा, एक एक और बना लेंगे दो, दो डबल क्रोशिया, दो चेन, अब इसी में ही फिर से दो डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक एक और बना लेंगे इसी में दो। इसी तरह से पूरा राउंड हमें ये कंप्लीट करना है। ये देखिए यहाँ पे जो हमारी वी शेप बनी हुई है ये वाली, इसमें हमें बनाना है इन गैप में। ये मैं बना लेती हूँ ये वाला राउंड। ये देखिए हमारा डिज़ाइन बनके कंप्लीट हो गया। ये वाले डिज़ाइन हमारे टोटल 27 बने हैं इसमें, 27 डिज़ाइन। ये देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब देखिए आगे वाला राउंड करेंगे कंप्लीट। ये देखिए इस धागे को पहले यहाँ पे स्लिप स्टिच बना लेंगे एक इस तरह से। अब हमें इसे बीच में लाना है, यहाँ पे धागे को बीच में ले आएंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच बना के। ये देखिए इस तरह से ये जो गैप है इसमें तीन चेन बना लेंगे, तीन चेन से एक डबल क्रोशिया हो गया, एक हो गया, दो, तीन, चार, चार डबल क्रोशिया बना के। ये देखिए चार डबल क्रोशिया हो गए। यहाँ पे दो चेन बना लेंगे। अब यहाँ पे जो इसका जॉइंट है ये वाला, यहाँ से एक पिकॉट बना देंगे यहाँ पे इस तरह से, धागा लेके एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे तो ये पिकॉट बन जाता है। यहाँ पे लूप लिया, अब यहाँ पे फिर से इसी वाले गैप में चार डबल क्रोशिया बनाने, एक दो तीन, एक और बना देंगे इसी में चार। ये देखिए इस तरह से चार चार डबल क्रोशिया बनाने, बीच में यहाँ पे डिजाइन बनाना है पिकॉट वाला। एक लूप लिया, अब आगे वाले गैप में आ जाएंगे, सॉरी यहाँ पे। और देखिए ये बीच में ये वाला जो गैप है यहाँ पे, इसमें एक सिंगल क्रोशिया बनाना है हमें। यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब देखिए लूप लिया, अब यहाँ पे आ जाएंगे इन दो डबल क्रोशिया के बीच में, यहाँ पे जो हमने दो चेन बनाई थी इसमें आ जाएंगे, चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार, चार डबल क्रोशिया हो गए, दो चेन बना लेंगे यहाँ पे। ये देखिए दो चेन, अब यहाँ पे एक पिकॉट बना देंगे, पिकॉट बना देंगे यहाँ पे इस तरह से। ये जो जॉइंट है इसका यहाँ पे दो धागे में से निकालना है, एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से, पिकॉट बन गया। अब यहाँ पे चार डबल क्रोशिया बनाने हैं फिर से, एक दो तीन,
एक और बना देंगे, चार, चार डबल क्रोशे हो गए। आगे वाले इसमें यहाँ पे एक सिंगल क्रोशे बना देंगे इस वाले गैप में, इस तरह से। ये देखिए हमारी पत्ती वाली डिजाइन बन जाएगी इस तरह से। एक बार और बता देती हूँ, इस वाले गैप में आ जाएंगे, यहाँ पे चार डबल क्रोशे बना लेंगे, एक दो तीन, एक और बना लेंगे, चार, चार डबल क्रोशिया, दो चेन बना लेंगे इस तरह से। दो चेन बना के यहाँ पे पिकॉट बना देंगे एक इस तरह से। अब यहाँ पे फिर से इसी वाले गैप में चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार इस तरह से। देखिए डिजाइन बन जाएगा पत्ती वाले। आगे वाले गैप में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो सारे में हमें ये ऐसे ही कंप्लीट करना है ये वाला डिजाइन। ये देखिए कंप्लीट बन गया हमारा। यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया लास्ट में ये, और थोड़ा सा बड़ा धागा कट करना है क्योंकि इससे हमें सिलाई करनी है। देखिए इसको अरेंज करके सिलाई करेंगे इसकी। ये देखिए इस तरह से मैंने पांच फूल बनाए। अब नीचे लगाने के लिए लटकन बनाएंगे। देखिए लटकन बनाने के लिए, नीचे का फूल बनाने के लिए पहले ग्रीन कलर यूज करेंगे। एक मैजिक रिंग बना लेंगे इस तरह से, क्रोशिया हुक में ले लेंगे धागे को। अब यहाँ पे हमें चार चेन बनानी है पहले, एक दो तीन चार, चार चेन बना लेंगे। इसके लिए देखिए मैंने पतला वाला क्रोशिया यूज़ किया है, ये वाले फूल के लिए पतला वाला ही क्रोशिया यूज़ करना है 2.5 mm का। अब यहाँ पे दो लूप लेने हैं क्योंकि हमें ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। चार चेन हो गई इस तरह से, ट्रिपल क्रोशिया एक बार निकाल दिए, दो धागे, दो धागे फिर निकालेंगे और फिर दो धागे। ट्रिपल क्रोशिया होता है तो एक चार चेन से हो गया, एक ये हो गया, दो हो गए। ट्रिपल क्रोशिया ही बनाने हैं इसमें हमें, दो हो गए इस तरह से, धागा निकाल देंगे, तीन हो गए। ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं, एक बार में दो ही धागे निकालने हैं इस तरह से। ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, हमें इसमें दो धागे निकाल देंगे, दो धागे इस तरह से, एक दो तीन चार पाँच इस तरह से। हमें इसमें 12 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। ये देखिए टोटल 12 बनाने हैं इसमें, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, टोटल 12 ट्रिपल क्रोशिया बनाने हैं। इसको बंद कर देंगे मैजिक रिंग को इस तरह से, जो हमने चार चेन बनाई थी इसमें स्लिप स्टिच बना देंगे यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से एक चेन बना के धागा कट कर देंगे यहाँ पे, इसे सुई से अरेंज कर लेंगे।
करके यहाँ पे एक नोट बना देंगे पहले, इससे कि ये बीच में सरेंगे खुले ना, इस तरह से नोट बना के। ये देखिए इस तरह से ही बन जाएगी कैप इसकी। ये देखिए येलो कलर यूज़ किया मैंने इसमें। एक चेन बना लेंगे और यहाँ पे धागा खींचना है। इस तरह से हमें लूप लेने हैं, एक लूप ले लिया, यहाँ पे एक हो गया, दो तीन चार पाँच और ये हो गए छः। छः लूप लेके पफ को बंद कर देंगे इस तरह से। एक पफ बन गया। अब यहाँ पे दो चाहिए, ये दो ट्रिपल क्रोशे छोड़ने हैं हमें, एक दो, दो छोड़ के तीसरे वाले में, यहाँ पे तीसरे वाले में फिर से लूप ले लेंगे। छह लूप लेने हैं हमें, एक दो तीन चार पाँच छ, छह लूप लेके पफ को बंद कर देंगे फिर से। इस तरह से हमें दो दो ये छोड़ के, दो दो ट्रिपल क्रोशे छोड़ के तीसरे वाले में यहाँ पे दो दो छोड़ने, एक दो तीन चार पाँच छः, छः लूप लेके पफ को बंद कर देंगे फिर से। दो छोड़ देंगे यहाँ पे, एक एक दो तीन चार पाँच छः, छः लूप लेके पफ को बंद कर देंगे फिर से। दो छोड़ के यहाँ पे ये देखिए इस तरह से फिर से दो छोड़ के यहाँ बना लेंगे एक पफ, फिर से दो छोड़ के यहाँ बना लेंगे एक पफ। ये देखिए इस तरह से हमें इसमें एक दो तीन चार पाँच छः, छः पफ बनाने हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले पफ के ऊपर ये बंद कर देंगे, इसको स्लिप स्टिच बना देंगे यहाँ पे इस तरह से। अब हमें इसके बीच में आना है, पफ के बीच में आ जाएंगे, यहाँ पे स्लिप स्टिच बना देंगे इस तरह से। ये देखिए इस तरह से स्लिप स्टिच बना के तीन चेन बना लेंगे यहाँ पे, एक दो तीन, तीन चेन बना के एक लूप लिया, इसी में यही इसी वाले गैप में एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे फिर से, एक दो तीन, इन दोनों के बीच में जो ये बन गया यहाँ पे तीन चेन और एक डबल क्रोशिया के बीच में गैप है, यहाँ पे क्रोशिया को डालेंगे और एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। लूप लिया फिर से इसी वाले, इसमें इसी वाले गैप में ही डबल क्रोशिया बना लेंगे, तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, इनके बीच में यहाँ पे जो गैप बन गया है यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए इस तरह से डिजाइन बन जाएगा। एक में हमें ये दो डिजाइन बनाने हैं। अब हम आ जाएंगे अगले वाले पफ के बीच में, यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तीन चेन बना लेंगे, एक दो तीन, तीन चेन बना ली, इनके बीच में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। फिर से लूप लिया इसी वाले, इसमें एक बार हो गया, एक बार और बनाना है इसी में, दो बार बनाना है। डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से, तीन चेन बना लेंगे, इनके बीच में ये वाले गैप में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। तो सारे गैप में यहाँ पे सारे पफ के बीच में हमें दो दो डिजाइन बनाने हैं ये वाले। अब आगे वाले में आ जाएंगे, यहाँ पे इस तरह से एक डबल क्रोशिया बना लेंगे, तीन चेन बना लेंगे, दो तीन, इनके बीच में यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। ये देखिए एक बार हो गया, एक बार और इसी में ही बनाएंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक तीन चेन बना लेंगे, इनके बीच में यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। दो दो डिजाइन बनाने हैं सारे पफ के बीच में, यहाँ पे दो में बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह सारे पफ के बीच में दो दो डिजाइन बन गए हमारे। ये देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो हमने शुरू में तीन चेन बनाई थी स्टार्टिंग में, यहाँ पे स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे इसको, एक चेन बना के धागा कट कर देंगे यहीं पे। इस तरह से हमारे लटकन वाले फूल बन जाएंगे। देखिए सुई से धागा एडजस्ट कर देंगे, ये देखिए इस तरह से।
ये देखिए, एक लटकन में लगाने के लिए मैंने 6 फूल बनाए हैं, 2 व्हाइट, 2 येलो और 2 डार्क पिंक। इस तरह से 6 फूल बनाने हैं एक लटकन के लिए। अब इन्हें मोती लगा के लटकन कैसे बनानी है ये मैं अभी बताती हूँ आपको। ये देखिए, इसमें मैंने 6 mm के मोती यूज़ करे हैं। नीचे में नोट बना लिया, तो पहले एक मोती लगा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, एक लटकन में व्हाइट और येलो कलर का फूल लगाया मैंने। इस तरह से मोती से ही रुक जाएगा। तो इसमें मैंने 30 मोती डाले हैं। ये देखिए, इसमें मैंने 30 मोती डाल ली। अब ये वाला फूल इधर की साइड से लगाएंगे, ऐसे उल्टी साइड से, तब ये यहाँ पे ऐसे आएगा। ये देखिए, इधर से ऐसे लगाना है। यहाँ पे एक मोती लगा के अंदर यहाँ पे एक नोट बना देंगे। ये देखिए, इस तरह से एक लटकन रेडी हो गई हमारी। इसमें इसमें 30 मोती हैं। इस वाले में 50 मोती डाले हैं। एक तरफ येलो फूल है, एक तरफ पिंक वाला फूल है। इसमें 50 मोती डाले हैं। देखिए, इसमें पिंक वाले में मैंने 34 मोती डाले हैं, 34। बीच में यहाँ मोती एक नॉट बना के इस तरह से डाल लिए 34 मोती। अब देखिए, यहाँ पे ये व्हाइट वाली, ये वाली लटकन लगाएंगे। यहाँ से व्हाइट वाली तरफ से, ये येलो वाली तरफ से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 18 मोती छोड़ के इधर की साइड से यहाँ पे बीच में धागे में से निकाल लेंगे ये वाले सुई को। ये जो हमने पिंक वाला मोती ये डाले हैं, ये जो मोती डाले हैं, अब देखिए इसमें यहाँ पे पिंक वाली साइड से 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 और एक 21 21 मोती छोड़ के यहाँ पे इस तरह से धागे में डाल लेंगे। ये देखिए, यहाँ पे इस तरह से हमारी लटकन बन जाएगी। तो अभी हमें एक और लगाना है यहाँ पे। ये मैंने सुई निकाल दी है। ये देखिए, ये सीधे रखे हैं। ये देखिए, ये व्हाइट मोती, ये व्हाइट वाले फूल में डाल लिए हैं मैंने मोती। इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26 इसमें 26 मोती डाले हैं व्हाइट वाले में। ये देखिए, 26 मोती डाले, यहीं से धागे में से निकाल लेंगे, बीच में से जैसे वो निकाला है पिंक वाला, सेम जगह पे से ही निकालना है इस तरह से। तो हमें मोती सेम काउंट करके ही लगाने हैं, नहीं तो ये लटकन छोटी बड़ी हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से ये हमारी लटकन बन के रेडी हो जाएगी। यहाँ पे नोट बांध देंगे। इस तरह से अब हमारे लटकन और फूल बन के सब रेडी हो गए। अब इन्हें हम तोरण पट्टी में लगाएंगे। देखिए, इसमें तोरण पट्टी में मैंने फूल लगा लिए हैं और ये लटकन लगा दी सारी। देखिए, कैसे लगाना है, ये फूल मैंने तोरण पट्टी के ऊपर लगाए हैं, इसलिए मैंने तोरण पट्टी प्लेन बनाई थी बिल्कुल। ये देखिए, यहाँ पे इसके ऊपर ये मैंने कोई फिक्स नाप के नहीं लगाए कितनी दूर लगाने हैं, थोड़ी थोड़ी दूर आइडिया से इस तरह से बराबर दूरी पे लगाने हैं ये हमें। ये देखिए, इस तरह से ये यहाँ कोने पर रखा है फूल तोरण पट्टी पे, थोड़ी दूरी लगाया है बिल्कुल बराबर बराबर। देखने से पता चल जाएगा हमें कितनी कितनी दूरी लगाने हैं। देखिए, इस तरह से बराबर बराबर गैप करके मैंने ये तोरण पट्टी में इनके सिलाई करी है। मोती के ऊपर मैंने 14 mm के मोती लगाए, फूल के ऊपर ये मैंने 14 mm के मोती लगाए हैं गोल्डन कलर के। सुई से सिलाई करनी है सिंपल। देखिए, यहाँ पे मैंने कोने पर रख लिया है, इसकी सिलाई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पे नोट बना लिया एक मैंने इधर नीचे।
ये देखिए इस तरह से हमने फूल सिल लिया। हमें नीचे लटकन लगानी है फूल वाली। देखिए फूल की सिलाई हो गई है, फूल के नीचे हमें लटकन लगाना। तो लटकन मैंने ये तोरण पट्टी में लगाए हैं, फूल में नहीं लगाना क्योंकि इसमें वजन हो रहा है मोतियों से। देखिए यहाँ पे इसके बीच में लगा देंगे, इन पत्तियों के बीच में यहाँ पे। ये देखिए लटकन लग गए हमारी, पांच फूल बनाए मैंने, पांच ही हमारी ये लटकन है फूलों वाली। ये वाली सारे फूलों के नीचे ऐसे लगानी है, तोरण पट्टी में लगाई मैंने। यहाँ पे देखिए ये तोरण पट्टी में लगानी है लटकन। अब इनके बीच में हमें मोती लगाने हैं फूलों के बीच में। देखिए सारे फूल मैंने कैसे लगाए, देखिए नीचे हमारी तीन पत्ती आ रही है ये वाली, मैंने सारे फूलों में इसी तरह से करके लगाए हैं ये। अब देखिए यहाँ ये बीच वाली पत्ती हमारी, ये साइड वाली पत्ती में यहाँ पे लगाएंगे पहले फूल, सॉरी मोती, मोती लगाएंगे हम यहाँ पे। ये देखिए इस तरह से नोट बना लेंगे, पहले इस वाली पत्ती में लगाएंगे मोती, बीच वाली से इधर वाली में यहाँ पे लगाएंगे। इसमें मैंने पहले वाली में 20 मोती डाले हैं, 20 मोती में डाल लेती हूँ, 6 mm के ही लगाए हैं मैंने सारे मोती। ये देखिए पहले वाली लाइन में 20 मोती डाल लिए हैं यहाँ पे 20। ये बीच वाली पत्ती है इधर में, इस वाली में लगाना है यहाँ पे, जैसे इसमें बीच वाले से इधर वाले में लगाया, इसमें भी इधर लगाना है। ये देखिए दूसरी लाइन पत्तियों के, दोनों पत्तियों के बीच में से यहां से, तो इसमें मैंने 34 मोती डाल लिए हैं, 34 इन पत्तियों के बीच में यहाँ पे भी, यहाँ पे नोट बना देंगे। देखिए तीसरी वाली लाइन में मैंने 40 मोती डाले हैं, सबसे नीचे वाली इसमें लगाना है पत्ती में। ये देखिए इधर की साइड से यहाँ पे, इधर की साइड से इधर भी लगाना है इसमें, और इधर की साइड से इधर नीचे वाली पत्ती में। ये देखिए इस तरह से तीन तीन लड़ी लगाई मोती की, और ये नीचे लटकन लगाई मैंने सारे फूलों के नीचे। ये पूरा अभी दिखाती हूँ आपको, कंप्लीट आपको समझ में आ जाएगा कैसे कहाँ कौन सी चीज लगानी है। ये देखिए ये सारा मैंने ये लटकन लगानी बता दिए, इसके फूल के नीचे लगानी है, और ये तीन तीन लड़ी हमें फूलों के बीच में मोती वाली लगानी है। ये अलग से पहले ये लटकन लगानी है, ऊपर से ये मोती लगाए मैंने देखिए इधर इस तरह से, और फूल तोरण पट्टी के ऊपर लगाने। इनके बीच में गैप ऐसे ही थोड़ा थोड़ा बराबर बराबर गैप रख लिया है मैंने, नाप के नहीं रखा है ये। ऐसे सिलाई कर देनी है फूल की, और ये लटकन लगाने और मोती लगाने हैं इसमें। ये मैंने बता दिया आपको कितने कितने लगाने हैं, बहुत सुंदर लग रहा है बनने के बाद, और बहुत ईजी डिजाइन है, जल्दी से बन के तैयार हो जाएगा।